हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 11 अक्टूबर, हम कल के हम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, यूनेस्को मैप आईसीसी एडेड 20 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ड्यूरिंग इट 33rd सेशन। इट वॉज हेल्ड इन, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उन्होंने एड किया 20 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को 33rd सेशन के दौरान। ये सेशन कहाँ पे हुआ है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाइजीरिया। जो 33rd सेशन था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैम आईसीसी का, ये आपका हाइब्रिड फॉर्मेट में अबूजा नाइजीरिया में हुआ है। ये पहली बार है कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है। इस प्रोग्राम में 20 न्यू साइट जो थे 21 कंट्रीज के, उनको एड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर। जो साइट था लिसोटो, मेस्टेंग बियर लिबिया, वहां से स्पेन बियर और सऊदी अरेबिया, जहां से जूजर फ्रांस एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको डेजिग्नेट किया गया पहली बार। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी यूरो और सीएफपी फ्रैंक। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 11 अक्टूबर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील कमीशन इंडिया फर्स्ट CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट इन विच स्टेट। टाटा स्टील ने कमीशन किया है इंडिया का पहला CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट को किस स्टेट में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जो है टाटा स्टील लिमिटेड, वो इंडिया का पहला स्टील कंपनी बन गया है जिसने कमीशन किया है एक 5 टन पर डे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट को जमशेदपुर झारखंड में। ये वर्क करेगा टेक्निकल सपोर्ट के साथ कार्बन क्लीन के। इसको इनोग्रेट किया गया है थार्चेट विश्वनाथ नारेंद्रम जो कि CEO और MD है टाटा स्टील के, प्रेजेंस में अनिरुद्ध शर्मा के जो कि CEO है कार्बन क्लीन के और अदर डिग्नेटरी भी थे। कार्बन क्लीन एक ग्लोबल लीडर है जहां पर लो कॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किस तरीके से ये CCU जो है वो काम करेगा, ये फैसिलिटी एक्ट्रैक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस एक एमाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी के मदद से। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर आचार्य देव विराट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती नंदीबेन पटेल। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली विच इंडियन बीच गेट ब्लू फ्लैग टैग। हाल ही में किस इंडियन बीच को ब्लू फ्लैग टैग मिला है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है कोवलम, ऑप्शन बी एडेन, ऑप्शन सी बोट ANB, ऑप्शन डी नाइडर एन ऑर्बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ANB। दो मोर न्यू इंडियन बीचेस है, कोवलम जो कि आपका तमिलनाडु पे है और एडेन जो कि आपका पुडुचेरी में है। इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क के द्वारा 2021 में। ये कहाँ लोकेटेड ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कोवलम तमिलनाडु पे और एडेन पुडुचेरी पे। इसके बाद इंडिया का जो टोटल ब्लू टैग वाला जो बीच है वो 10 हो चुका है। उन्होंने इश्यू किया था रिसर्टिफिकेशन 8 नॉमिनेटेड बीच को, कौन कौन से? शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, ढोकला दीव और कासरकोट और पदुचेरी जो कि कर्नाटक पे है, कपाट जो कि केरला पे है, रुषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो कि ओडिशा पे है, राधानगर अंडमान एंड निकोबार में है। इन सबको दिया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 2020 पर। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता क्या? ब्लू फ्लैग जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलेंट्री अवार्ड है बीचेस, मैरियंस और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर के लिए। इसको इश्यू किया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क और इंटरनेशनल ज्यूरी के द्वारा, जिसमें कि मेंबर्स होते हैं IUCN, UNWTO, UNEP, यूनेस्को के। इसको स्टार्ट किया गया था 1987 पे और 2001 में यूरोपियन ब्लू फ्लैग जो था वो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MOE फॉर्म नेशनल स्टीयरिंग कमिटी टू डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इट इज हेडेड बाय होम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने फॉर्म किया है नेशनल स्टीयरिंग कमिटी को ताकि डेवलप किया जा सके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। इसको हेड किया गया किनके द्वारा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी राजकुमार रंजन सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने फॉर्मुलेट किया एक 12 मेंबर का नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को ताकि डेवलप किया जा सके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बेस्ड होगा। इसको चेयर किया गया है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के द्वारा जो कि एक साइंटिस्ट है जो कि हेड कर रहा है इसरो को 1994 से 2003 तक। जो टेन्यूर है SC का वो 3 ईयर्स का होगा, September 21, 2021 से। ये जो है वो असिस्ट करेगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को। डायरेक्टर जो इसके ऊपर है अभी प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और राजकुमार रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट होम एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि इनको न्यू चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में पंजाब का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है विनी महाजन, ऑप्शन बी चरणजीत सिंह सैनी, ऑप्शन सी अनिरुद्ध तिवारी, ऑप्शन डी नानक देश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनिरुद्ध तिवारी। जो चरणजीत सिंह चन्नी है, जो कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट अनिरुद्ध तिवारी का, जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, न्यू चीफ सेक्रेटरी के तौर पर स्टेट का। वो सक्सीड करेंगे विनी महाजन को, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है। अनिरुद्ध तिवारी के बारे में हम जान लें तो अभी वो जो है वो सर्व कर रहे थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। उन्होंने सर्व किया फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर भी प्रीवियस चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के समय पर, जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था फाइनेंस कमिश्नर के पोस्ट में उसके पहले। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। पंजाब का चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह सैनी है, गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट साइन डील विथ विंगश्योर टू प्रोवाइड एआई बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। किस स्टेट ने साइन किया डील को विंगश्योर के साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को विंगश्योर के साथ, जो कि एक इंश्योर तक वेंचर स्पिन आउट एसआरआई इंटरनेशनल है। ये पाथ जो था मऊ का, उसके अनुसार विंगश्योर जो है वो प्रोवाइड करेंगे डीप टेक बेस्ड पर्सनलाइज क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एडवाइजरी सर्विसेज को स्मॉल अंडरसर्व फार्मर को स्टेट में। ये इंश्योर करेंगे हाइपर लोकल डाटा कोरिलेशन को डीप टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि डिलीवर किया जा सके न्यूमरस सर्विसेज को इंडिविजुअल स्मॉल होल्डर के लिए। ये जो अलायंस है वो पहला है ग्लोबल फार्मिंग इकोसिस्टम पे, जो कि मदद करेगा तेलंगाना को प्रमोट करने के लिए सोशल इंक्लूजन को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडियन एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में। ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, और ऑफर करेगा अपॉर्चुनिटी कोलेबोरेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, वैल्यू चेन ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन के सेक्टर में। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है वो केन चंद्रशेखर राव है, गवर्नर थावरचंद गहलोत। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इलेक्टेड टू वर्ल्ड आर्करी एथलीट कमिटी। किनको इलेक्ट किया गया वर्ल्ड आर्करी एथलीट कमिटी पे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है हर्षा भूपेंद्र बंगारी, ऑप्शन बी एस एल त्रिपाठी, ऑप्शन सी अभिषेक वर्मा, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अभिषेक वर्मा। जो इंडियन कंपाउंड आर्कर और अर्जुना अवार्डी है अभिषेक वर्मा, जो कि 3 बार वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, उनको इलेक्ट किया गया एथलीट कमिटी ऑफ वर्ल्ड आर्करी के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ओलंपिक स्पोर्ट ऑफ आर्करी के लिए। उनका जो उनको इलेक्ट किया गया है 4 ईयर के टेन्यूर के लिए, जो कि 2025 तक चलेगा। ये जो कंपाउंड वुमेन वर्ल्ड चैंपियन नताले एडविदा है रशिया की, उनको इलेक्ट किया गया एथलीट कमिटी के लिए 4 ईयर के लिए 2025 तक के लिए। अब हम एथलीट कमिटी के बारे में जान लें तो इसको चेयर नॉमी फॉलकेट कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन के। इसके जो मेंबर्स है कौन कौन है, क्रिस्टल गोविन यूएसए के, शिप वेन डेन बर्ग नेदरलैंड के, अभिषेक वर्मा इंडिया के, और नटालिया एविडेरा रशिया के। तो ये चारों है। अभिषेक वर्मा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है मैन कंपाउंड इवेंट में 2021 के हुंडई आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 3 पे, जो कि आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। उन्होंने इंडिविजुअल मेडल भी जीता है 2015 के वर्ल्ड कप स्टेज 3 पे, जो कि आपका ब्रोकलो पे हुआ था। उन्होंने 2 मेडल जीता, एक इंडिविजुअल और एक टीम में 2014 के इंडियन एशियन गेम पे, और सिल्वर मेडल को टीम इवेंट में 2018 के जकार्ता एशियन गेम में। वर्ल्ड आर्करी के सेक्रेटरी जनरल टॉम डेलेन है, हेडक्वार्टर इसका लॉसन स्विट्जरलैंड पे है। हर्षा भूपेंद्र बंगारी, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हर्षा भूपेंद्र बंगारी को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का। एस एल त्रिपाठी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सिलेक्ट किया एस एल त्रिपाठी को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑनर विच कंट्री शुमजिले मिलेम्बो निकुटका विच 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है उन्होंने ऑनर किया किस कंट्री के फुमजिले मिलेम्बो निकुटका को 2021 के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है उन्होंने अवार्ड किया साउथ अफ्रीकन फुमजिले मिलेम्बो निकुटका को, जो कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुकी है यूएन वुमेन की 2021 के ग्लोबल कीपर अवार्ड से। ये जो एनुअल ग्लोबल गोल कीपर कैंपेन है ये फाउंडेशनल था, अनाउंस जिसको किया गया था 3 एडिशनल ग्लोबल गोल कीपर को ध्यान में रख के। 2021 के ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के बारे में हम जान ले तो ये जो अवार्ड है उसको दिया गया है फुमजिले मिलेम्बो निकुटका को, रिकॉग्नाइज करते हुए उनके ग्लोबल लीडरशिप को जेंडर इक्वेलिटी के लिए, और जो उन्होंने एफर्ट लिया था एड्रेस करने के लिए इम्पैक्ट कर लेके कोविड-19 पैंडेमिक का वुमेन और गर्ल्स के ऊपर पूरे ग्लोब में। विनर जो है 2021 के गोल कीपर ग्लोबल अवार्ड के कुछ इस प्रकार है, प्रोग्रेस अवार्ड 2021 का जेनिफर कोल्पाज को मिला है कोलंबिया की, चेंज मेकर अवार्ड 2021 का फरूज फैरा बीटर को मिला बांग्लादेश के, कैंपेन अवार्ड 2021 का सत्ताज शरीफ को मिला लिबरिया के,
ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है उनके कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल गोल को लोकल कम्युनिटीज के लिए। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का को चेयर और ट्रस्टी बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट है। हेडक्वार्टर इसका सीजल वाशिंगटन यूएस में है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिडा, करेंसी जापानीज येन। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक एंड मास्टर कार्ड लॉन्च हैशटैग यूजर बेफिकर न्यू कैंपेन फॉर सिमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस। किस बैंक ने और मास्टर कार्ड ने मिलकर लॉन्च किया है हैशटैग यूज बेफिकर न्यू कैंपेन है सिमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी RBL, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी RBL। RBL बैंक ने लॉन्च किया हैशटैग यूज बेफिकर एक न्यू कैंपेन है मास्टर कार्ड के साथ ताकि वो प्रोवाइड कर सके शॉपिंग ऑफर और रिवॉर्ड को एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर के लिए। ये जो हैशटैग यूज बेफिकर कैंपेन है इसमें RBL बैंक मास्टर कार्ड होल्डर जो है वो अवेल कर सकेंगे एक्सक्लूसिव ऑफर को एश्योर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। फीचर क्या है इस कैंपेन का, ये जो कैंपेन है वो रन करेगा एक सीरीज ऑफ वीडियो के माध्यम से जिसका मकसद है रेजोनेंट करना कार्ड होल्डर को स्टार्टअप फेस्टिव सीजन के समय पर। जो वीडियो है उसको एम्पलीफाइड किया जाएगा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रमोशन पे। ये जो कैंपेन उसको फीचर्स किया जा रहा है सेलिब्रिटी रितेश देशमुख, मीराबाई चानू, विराट मसी इन सबके द्वारा। जो कैंपेन है वो हाईलाइट कर रहा है जो कार्ड ऑफर करेगा हर एक को फोकस करते हुए वेरियस कैटेगरी को, हेल्थ और फिटनेस, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिल पेमेंट, फूड डिलीवरी के लिए। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। RBL बैंक के MD CEO विश्ववीर आहूजा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। SBI बैंक के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है, फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फेडरल बैंक पार्टनर विथ होम टू लॉन्च मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप किया किन के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है वन कार्ड, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी रुपे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वन कार्ड। फेडरल बैंक ने ज्वाइन किया हैंड को फिनटेक कंपनी वन कार्ड के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को जो कि कैटर करेगा इंडिविजुअल के क्रेडिट डिमांड को अपकमिंग फेस्टिव सीजन पे। ये जो कार्ड है उसको पावर किया गया वीजा के द्वारा। जो बैंक है वो टारगेट करेंगे कंज्यूमर को जिनका एज 23 से 35 ईयर्स के बीच में होगा। ये रिप्रेजेंट करेंगे जनरेशन जेड एंड मिलेनियल्स को। ये जो कार्ड है इसको पावर किया गया वन कार्ड ऐप स्लिक के द्वारा और इसको एक्टिवेट किया जाएगा यूज करने के लिए इंस्टेंटली वर्चुअल फॉर्मेट में और फिजिकल कार्ड जो है उसको बाद में डिलीवर किया जाएगा। यूजर जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे अपने कार्ड को ऐप के मदद से। फेडरल बैंक फोकस कर रहा है डिजिटल एट दी फोर एंड ह्यूमन एट दी कोर के ऊपर ताकि वो ऑफर कर सके हाईटेक इनेबल कस्टमाइज एक्सपीरियंस को। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में जो कोलेबोरेशन वन कार्ड ने किया है दूसरे बैंक के साथ, SBM इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस वो लॉन्च कर रहा है मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड को। जो साउथ इंडियन बैंक है उसने लॉन्च किया है एक ऐप बेस्ड SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को। फेडरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के तौर पे। इसका नाम बाद में बदलकर फेडरल बैंक लिमिटेड कर दिया गया 1949 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर अलुवा केरला पे है। वन कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग सिन्हा है, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। वीजा के CEO अल्फ्रेड एफ कैली जूनियर है, फाउंडर दी होक, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। रुपे जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट सर्विस सिस्टम है जिसको कंसीप्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 26 मार्च 2012 में। इसको क्रिएट किया गया था ताकि फुलफिल किया जा सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विजन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक डोमेस्टिक ओपन और मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर 2021। किसने रिलीज किया रिपोर्ट को जिसका टाइटल है ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड SDG इंडिकेटर 2021। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है ILO, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी FAO। जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशन का जिसका टाइटल है ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड SDG इंडिकेटर 2021। इसके अनुसार COVID-19 जो है उसने सेटबैक कर दिया प्रोग्रेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिसको साइन किया गया था UN एजेंडा में 2030 के लिए, उसको पीछे कर दिया है। ये अंडरमाइन कर रहा है डिकेड ऑफ डेवलपमेंटल एफर्ट को। ये फोकस कर रहा है 8 SDG के ऊपर जिसको कि अडॉप्ट किया गया था UN समिट के दौरान न्यूयॉर्क में 2015 में। FAO के तीसरे एडजस्टमेंट में इस समय पाया गया है कि जो COVID-19 पेंडेमिक है इसने बढ़ा दिया बर्देन को क्रोनिक हंगर का। इसने पुश किया है अराउंड 83 से 132 मिलियन पीपल को हंगर की ट्रप 2020 पे। COVID-19 ने डिस्टर्ब कर दिया फूड सप्लाई को सोसाइटी का। 14% जो है फूड जो है वो लॉस्ट हुआ है। जो न्यू रिपोर्ट है वो कॉन्साइड कर रहा है रिसेंट UN फूड सिस्टम समिट के समय पे जिसका एम है रेज करना ग्लोबल अवेयरनेस को और स्पर करना एक्शन को ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके फूड सिस्टम को, इरेडिकेट किया जा सके हंगर को, रिड्यूस किया जा सके डाइट रिलेटेड डिजीज को और हील किया जा सके प्लेनेट को। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जिसका काम है डिफीट करना हंगर को और इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्टैब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर
1945 में। इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग यू है। आईएलओ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जिसका काम है एडवांस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सेट करना इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड को। फाउंड किया गया था अक्टूबर 1919 में। ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का जिसका काम है प्रमोट करना वर्ल्ड का पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से एजुकेशन साइंस और कल्चर के फील्ड में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रे ओजेले है। फाउंडर किया गया था 16 नवंबर 1945 में। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। हु रिलीज अ रिपोर्ट ऑन लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन नेम्ड यूनाइटेड इन साइंस 2021। किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट को लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसका नाम है यूनाइटेड इन साइंस 2021। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी डब्ल्यूएमओ, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।